हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे पिछली वीडियो में आपको बताया था एडमॉब अल्टरनेटिव में किस तरीके से आप एड कॉलोनी के एड नेटवर्क को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो मुझे 2-3 दिन में जो भी एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आपके लिए भी इजी रहे समझने में। और कुछ लोग को ऐड शो नहीं हो रहे थे कुछ ऐड शो होने के बाद, तो वो भी क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी एक तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ कि किस तरीके से रनिंग करती है। जैसे कि मैं यहाँ पे 2-3 दिन से ट्राई कर रहा था, शुरुआत में तो मुझे 0.89 डॉलर मिला था, उसके बाद मुझे 0.10 डॉलर मिला। और ये कैसे मिला वो थोड़ा मैं चेक कर रहा था कि मतलब इसमें किस तरीके से वर्क करता है, तो इस वजह से मैं इसमें चेक कर रहा था बेसिकली कि कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे मैंने एक तो एप्लीकेशन आज जो है, मैं पहले ये लगा कि शायद वीडियो व्यू करने से पैसे आते हैं, या फिर वीडियो पे क्लिक करने से पैसे आते हैं, या वीडियो इंस्टॉल करने से पैसे आते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो मुझे लगता है अब कि यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन होता है उसको इंस्टॉल करने पे ये पैसे देता है, और इसके जो वीडियो व्यू का है फंडा या उसका है वो अभी उतना क्लियर नहीं हुआ है। तो अभी मुझे जहाँ तक लगता है कि ये इंस्टॉल पे पैसे देता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि किस हिसाब से पैसे देता है। और रही बात इसकी पेमेंट की, तो हाँ ये बढ़ तो रहा है, आप देख सकते हो। उस दिन मेरा 0.89 था, अगर मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ शायद कुछ ऐड और हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0.89 है, उस दिन मेरा 0.89 था, अभी 0.99 आप यहाँ पे शुद्ध देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे मैं डाउन में आ जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइव का, अगर आप लाइव करना तो काफ़ी इजी है, आप ये अर्निंग देख सकते हो। तो यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या सेटिंग रखा है, तो आप समझ सकते हो ये जोन जो है एक्टिव रहेगा, ये जोन आईडी हो गई आपकी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया है, सिंपली नीचे आपको अगर आप चाहते हो कि आपका ऐड जो है वो लाइव हो जाए तो आपको यहाँ पे नो करना है, फिर सेव कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ये तो सभी को पता है, और कुछ लोग को ये दिक्कत आ रही थी कि उनके ऐड नहीं शो हो रहे, तो उनके लिए मैं एक आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि आप ऐड को कुछ देर के लिए जो है उसको उस पर लगा दीजिएगा टेस्ट मोड पे। ऐड को अभी जो मैंने लाइव किया उसको टेस्ट मोड पे लगाएंगे तो आपको इस तरीके का लाल टिकर लिख जाएगा, ऐसे लाल बन जाएगा। जब लाल बन जाएगा तो उसके बाद उसको ऐड चेक करेंगे तो उसमें ऐड कॉलोनी लिख के आएगा। तो ऐड कॉलोनी लिखने आने के बाद उसके 20 मिनट बाद आप दोबारा उसको लाइव करिएगा, तो फिर आपका 1-2 घंटे बाद जो है आपका चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे भी बंद हो गए थे अभी बीच में। तो इसके बारे में अभी मैंने ये भी पढ़ा है कि जब इसके सारे एड्स ख़त्म हो जाते हैं पर डे, तो फिर वो ऐड सर्व करना बंद कर देता है, फिर उसके बाद ओपन करता है, फिर बंद करता है। तो ये भी थोड़ा अजीब व गरीब है कि मतलब किस तरीके से इसका वर्क करता है। तो आप भी बता सकते हैं, अगर आपको कुछ नॉलेज हो वो भी शेयर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको बता देते हैं, जो मैंने अभी नोटिस किया है वो इंस्टॉल पर ये पैसे देता है। और अगर आप कुछ और ट्राई करना चाहते हो तो आप दूसरा भी ट्राई कर सकते हो। अभी मैं थोड़ा ऐप नेक्स्ट पे भी देख रहा हूँ, लेकिन ऐप नेक्स्ट का जो है बेसिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो है आपका प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन होना चाहिए। तो आप ऐड कॉलोनी को यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर जाके ये हमारी जो है एडमॉब अल्टरनेटिव वाली वीडियो को देख लीजिएगा। और ये दोनों एडमॉब अल्टरनेटिव की, इसमें मैंने ऐड शो कराया है और कैसे इम्प्लीमेंट करते वो बता दिया, तो आपके लिए ईजी रहेगा। तो थंकेबल में मैंने क्या सेटिंग रखा था, क्योंकि कुछ लोग को ये भी दिक्कत आ रही थी कि उनके एप्लीकेशन में ऐड नहीं आ ही नहीं रहे थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया था, सिंपली यहाँ पे मैंने ये लगाया था, और उसमें आपको AI फाइल भी मिल जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप इस सेटिंग को, आप देख सकते हो ये कॉमन है, कोई भी सेटिंग मैंने इसमें कुछ रखा नहीं था, सिंपल सी सेटिंग थी। तो इस तरीके से मैंने इसको रखा था, आप भी बना के ट्राई करो। और आप भी प्लीज़ मुझे बताओ कि किस तरीके से आपको क्या लगता है कि किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि इसके बारे में उतनी डिटेल नहीं है। और बात जहाँ तक है ऐड कॉलोनी की पेमेंट प्रूफ की, तो मैंने बहुत से लोग को देखा है, अभी पढ़ा कि बहुत से लोगों को ये पेमेंट दिया है इसने। तो आप भी ट्राई करो, आप भी बताओ आपको क्या लगा, और साथ साथ नीचे वीडियो के ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।